हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइट। हाय गाइस, मैंने अजय मंत्रा में आपका स्वागत है। तो हम लोग काफ़ी चिंता कर रहे थे, आई होप आप लोग भी काफ़ी चिंता कर रहे होंगे कि क्या हुआ सपना का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बैक टू बैक वीडियोस आ जाई हैं अंशु की भी और सपना की भी। अंशु की वीडियो आई, साथ ही साथ सपना की भी वीडियो आई। अंशु अपने घर चली गई है अब हमेशा के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। इधर सपना भी वो घर छोड़ के मैके आ गई है। अब सपना ने जो है, सबसे पहले अंशु की बात कर लेते हैं। अंशु अपने घर गई है, उसने वीडियो डाली है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास आ गई हूँ, क्योंकि वहां पे वो लोग बोल रहे थे, यानी कि सपना के सास ससुर, कि इसकी वजह से वो इतना हिम्मत कर पाती है, इसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग हो पाती है, इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। और क्योंकि वो भाभी को मतलब काफी ज्यादा हेल्प करती है, काफी ज्यादा मतलब साथ देती है, इस वजह से तो अंशु की वजह से सारी लड़ाई हो रही है, अंशु की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ें चल रही थी। मतलब अंशु जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसकी सपोर्ट की बदौलत ही सपना इतनी स्ट्रांग है, ये सब कर पा रही है, इतना बोल पा रही है, ये चीज़ें उठ रही थी। तो लास्ट में यही हुआ कि अंशु को उस घर से जाना पड़ा है, अपने मम्मी पापा के पास अंशु चली गई है। अब उसने कहा, बींग अंशु जो चैनल है द रॉड शॉर्ट्स जो है, वो चैनल अंशु को दे दिया गया है, तो वो चैनल वही चलाएगी और उस पर हॉल वीडियोस कम आएंगे फिलहाल अभी, और डेली व्लॉग्स उसमें देखने को मिलेंगे। डेली व्लॉग्स उसमें वो डालेगी, अब वहाँ के व्लॉग्स डालेगी अपने वाले घर के। इसके बाद सपना का वीडियो हम लोग ने देखा जाके, तो सपना ने काफ़ी कुछ बताया कि मैं ठीक हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, और मैं उस घर से निकल आई हूँ, अपने घर आ गई हूँ, अब आगे क्या करना है, सेटल होना है, सब करना है। इसके साथ ही उसने कुछ चीज़ें भी बताई कि मथुरा में जो घर ले रहे थे उसमें मैंने राजवीर जी के अकाउंट से 25 लाख रुपए दिए थे मथुरा में मकान खरीदने के लिए, और बाकी अपने से दिए थे। तो वो भी अगर देखा जाए तो देखिए, राजवीर का भी पैसा सपना का ही हुआ, लेकिन उनके मम्मी पापा मेरा बेटा तो वो पैसा भी काट के जो सपना का पैसा अपने अकाउंट से दिया है सपना ने यूट्यूब की इनकम से, वो उसको वापस किया जाएगा, वो उनके ससुर ने कहा है। कॉल रिकॉर्डिंग सारी चीज़ सुनाई, वो मेरा रिकॉर्डिंग्स की थी सपना ने, वो भी डाली है, ये मेरा नहीं, ये नहीं ले जाऊंगी, वो नहीं ले जाऊंगी, ये नहीं दूंगी, वो नहीं दूंगी। जो सपना ने गोल्ड पहने थे, जो वहाँ पर डेली पहनती थी, वो भी रख लिया है, नहीं दिया है। जो राजवीर ने हार गिफ्ट किया था, नेकलेस गिफ्ट किया था सपना को सोने का, वो भी उन लोगों ने रख लिया कि मेरे बेटे ने दिया था, भगवान जाने किस लिए रखा है, अंशु तो नहीं है घर पर, ये तो नहीं है, वो दोनों क्या करेंगे, जो भी है। उसके बाद जो है इसने कहा कि मुझे सेटल होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए, मैं आगे की अपडेट दूंगी। वो घर पूरी तरह से इसने छोड़ दिया है। काफ़ी उसके बाद उसने ससुर की भी कॉल रिकॉर्डिंग लगाई कि वो मथुरा वाला मकान का कागज कहाँ है, बैग ले जाना, ये सब बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मकान का कागज जो करना हो या तो पैसा दे दीजिएगा, या तो कहा नहीं, मकान तो मैं ही दूंगा, जो तुम्हारा पैसा उसमें लगा है वो तुम्हें दे दूंगा। तो भाई सपना ये भी उसमें भी चुप हो गई कि ठीक है, वही दे देना, जो मर्जी कर लो। अब सपना को स्ट्रांग रह के आगे चल के ये चैनल के ऊपर ध्यान देने हैं जो सपना के पास है। अब सपना के पास कौन से चैनल हैं, कौन से लोग ने छीन लिए हैं, ये भी नहीं पता है, तो अभी वो आगे बताएगी। फिलहाल स्नैपी गर्ल्स वही चला रही है, वही चलाएगी। बींग अंशु वाला जो द रोड शॉर्ट्स जो है वो अंशु को मिला है, बींग अंशु उसने कर लिया, वो अंशु चला रही है। बाकी द रोट जो और जो दूसरे चैनल्स हैं वो सपना के पास हैं कि नहीं है, वो क्या है, वो भी बाद में पता चलेगा। इससे ये चीज़ देखिए सामने आ रही है कि घर की लड़ाई सामने तो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब सपना ने जब हिम्मत करके सबको बता ही दिया है, तो उन लोगों ने भी क्विक एक्शन लेने में कोई भी देरी नहीं की। एक्शन का मतलब कि बता दिया है तो अब यहाँ से निकलो, तुम्हारा मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या अगर पति ना रहे तो बीवी का कुछ नहीं होता है, सिर्फ माँ बाप ही कहते हैं मेरा बेटा। देखिए माँ बाप का दुख है, दो बेटे चले गए दुख है, लेकिन एक बीवी के दो बार शादी होती है, दोनों ही पति चले जाते हैं, तो उसका दुख कितना बड़ा होगा ये समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, काफी पीआर एक्टिव हो गई है, काफी नेगेटिव कमेंट्स उसको आने लगे हैं, जिसके विषय में मैं दूसरा वीडियो बनाई हूँ, वो भी मैं पब्लिक करूंगी, धीरे धीरे कर पाऊंगी। तो क्योंकि कुछ लोग एक्टिव हो गए हैं, कुछ लोग चैनल पे इसका जो है नेगेटिव पीआर कर रहे हैं, नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो बस भाई भगवान का वो थोड़ा सा हमको लगता है कि डर होना चाहिए ऐसे कमेंट्स करने वालों पे कि ससुराल का क्यों बता दिया,
अंशु को भी वहां से जाना पड़ा, तुमको भी मकान घर छोड़ना पड़ा, कोई कह रहा है घर छोड़ना चाहती थी इसीलिए ऐसा किया। भाई जहाँ पति ना हो, सास इतनी ज्यादा अगेंस्ट हो, तो वहां पे इंसान चाह कर भी क्या कर सकता है। अब इसने कोशिश तो की ना, इतने दिन रही वहीं, इतने दिन वहीं निभाने की कोशिश की, सब कुछ तो कर ही रही थी। जब इंसान के हाथ से सब निकल जाता है, सब सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, कोई असर नहीं होता है, तभी इंसान इस तरह की चीजें कर पाता है। आपकी क्या राय इस मैटर पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग ये देखे हैं ना किस तरह से वो रो रही थी, देखना उसका रोना जो है, देखना वो बहुत ही बर्दाश्त से बाहर था और कितनी परेशान थी। खुद उसने कहा कि अंशु का एक टॉप्स लेके आई है और वो जो है जब अंशु के पास जाके मिलेगी तो उसको दे देगी, क्योंकि इसने गिफ्ट किया था अंशु को। अंशु के पास भी जो चेन वेन थी वो भी उन लोगों ने रख लिया, नहीं दिया। क्या करेंगे पता नहीं, कोई नहीं है तो किसको देंगे, क्या करेंगे। अच्छा बहू थी, खाना बना के दे रही थी, मुंह पे सब कुछ करके दे रही थी किसी को, किसी हम तो कहते किसी किसी इंसान को आराम हजम भी नहीं होता है, अगर बहू का सुख मिल रहा है तो वह हजम भी नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए हम फिर कह रहे हैं माँ बाप का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन बीवी पत्नी का दुख भी कम नहीं है। एक इस छोटी सी उम्र में उसके ऊपर इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, दो दो बेटियां हैं, उसको अपनी बेटियों का भविष्य भी देखना है, सब चीज। स्त्री धन क्या होता है, जो ससुराल से मिला, जो मैके से मिला, जो अपने से लाई थी वही लेके आई है वो, जो ससुराल से मिला पति ने गिफ्ट दिया वो भी रख लिया है, वो भी रख लिया है, पति ने गिफ्ट दिया था उसको दिया था, रजवी ने अगर नेकलेस गिफ्ट दिया था तो उसको दिया था, उसको ससुराल वालों को रखने का कोई हक नहीं था, लेकिन वो भी रख लिया है। क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को, और रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रही, रिकॉर्डिंग सुन रहे, ऐसे ही है। मानसी ने भी क्या, मानसवी वाला रेखा ने भी क्या बताया था कि उसके ससुराल ये सब फैमिली इसी तरह की है, और बीवी बहुओं को दबा के मार पीट के उस तरह से रखना इनका वो है।